हेलो एवरीबॉडी, दिस तार अब्बास और आप सब देख रहे हैं गोवास डॉट इन। आज हम हिदायत सेंटर में जहां पर मुझे वक्त दे रहे हैं खालिद मुलाद जी, और यहां पर जमीयत इस्लामी हिंद ने एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, नीड एंड टेक्निक्स डायलॉग बिटवीन सोसाइटी एंड मीडिया। ये इसको वक्त देने के लिए खालिद मुलाद जी जो टीवी न्यूज़ 18 नेटवर्क के डिप्टी एडिटर, उन्होंने यहाँ गुलबर्गा आए और यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा सभी जर्नलिस्ट मीडिया के साथ। सर, हाउ वॉज द इंटरेक्शन, और आखिर में जो बहुत सारी बातें हमने बताई उसमें सबसे अहम बात यह है कि कोई मीडिया नेटवर्क जो अच्छे के लिए काम करता है तो सोसाइटी का रोल उसमें क्या होता है? सर, मीडिया जो भी काम करता है वो बेसिकली सोसाइटी और गवर्नमेंट इनके बीच में ब्रिज का काम करता है जी। और ये मीडिया का एक बैलेंसिंग रोल होता है कि वो हुकूमत की बात समाज तक पहुंचाए और समाज की बातों को और इश्यूज़ को हुकूमत तक पहुंचाए। ये तो एक बेसिक रोल है, लेकिन इसके अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सोसाइटी की सही तरीके से नुमाइंदगी नहीं कर रहा है तो आपको मीडिया के साथ में डायलॉग करने का एक रास्ता होता है, आप उस रास्ते को इख्तियार करें, आप उसको फीडबैक दें। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, फाइन आर्ट डिजाइनर, चुलबुल लाइटिंग एंड फर्नीचर, एंड बाय एसआर कॉन्टिनेंटल होटल। माशरे को, मुल्क को, समाज को तरक्की की तरफ ले जाने और आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग नज़रियात और फिक्र और विचारधाराओं के साथ में अगर चलना है तो उनको आगे बढ़ाने के लिए भी डायलॉग की ज़रूरत पड़ती है। तो डायलॉग हर समाज और समाज के हर अंग के साथ, हर जाविये के साथ ये ज़रूरी है। मीडिया माशरे का और समाज का एक हिस्सा है, तो अगर मीडिया के साथ में आप लोग डायलॉग नहीं रखेंगे और मीडिया समाज के साथ में डायलॉग नहीं रखेगा तो हम एक दूसरे का अधूरा सा काम रह जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि मीडिया के लोग समाज के साथ डायलॉग करें और समाज के लोग मीडिया के साथ में डायलॉग करें, ताकि एक दूसरे की दूरी जो है वो एक तो कम हो और एक दूसरे के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स वो भी कम हो, और इसके साथ साथ दोनों मिल करके देश को, समाज को और मुल्क को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। बस यही डायलॉग है, और इसी की टेक्निक इसकी ये है कि हम जो है मिल बैठें, बातचीत करें, एक दूसरे के करीब आएँ, इसी के लिए है ये बातचीत। मुंबरा में खवातीन का खत्ते का बड़ा विक्रम है, उसमें हमने बड़ी तगड़ो करके कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया। ज्योति कुरबानी का नाम आपने ना सुना हो तो गूगल करके देख लीजिएगा, वहाँ की बड़ी फिलहाल जर्नलिस्ट, एक लेडी जर्नलिस्ट है, वो आपके लेडीज के इज्तम को खबर बनाने, आर्टिकल लिखने के लिए कवर करने को गई हुई है, और आपके प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स उसको अंदर नहीं जाने देते, रोक देते। वो कहते भाई आप लोगों ने बुलाया इसलिए मैं आई हूँ, और मैं तो यहाँ देखने के लिए आई हूँ, मैं आपके लिए पॉजिटिव लिखना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए कि इसके बाद क्या कभी आपकी दावत पर वो मीडिया वाले आपके प्रोग्राम में कभी आएगी, और अगर आपने उसको वहाँ से लौटा दिया तो उसके बाद कभी भी किसी भी तरह की खबर, रिपोर्ट, मजमून, मुहिम, कार्रवाई, सरगर्मी उसके बारे में आप उसी ने तवक्को करेंगे वो मुस्बत और अच्छा लेकर मेरे पास, क्या ऐसा मुमकिन है? 7 मार्च को विमेंस डे का प्रोग्राम है, खवातीन यौम खवातीन का प्रोग्राम है, उसमें नाजिम इलाका मर्द आकर के खिताब कर रहा है, स्टेज के ऊपर कोई खातून नहीं है। आप ये तवक्को करते हैं कि मीडिया आपको अच्छा प्रवेश दे, मीडिया वाला सवाल करता है यौम खवातीन में भाई कोई खातून आके हमको बताए? अपने पब्लिक के फीडबैक को जानने के लिए मीडिया भी बेसिकली उत्सुक रहता है, वो जानना चाहता है, तो अगर आप उसको फीडबैक देते हैं और उस तक पहुंचते हैं तो ये मीडिया को बनने और संवरने का एक मौका और प्लेटफॉर्म होता है जी। आजकल देखा जा रहा है कि जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, तो ऐसे में सोसाइटी भी सिर्फ ऑनलाइन रहकर सिर्फ कमेंट करती है लेकिन प्रैक्टिकली उसे घर तक कोई पहुंचता नहीं, उसे देखता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, लोग जेल में पड़े सड़ रहे हैं, लोग जो है ट्रायल्स में जा रहे हैं, ऐसे जर्नलिस्ट की वजह से कई सारे लोगों को भी एक डर सा पैदा हो जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, हम लोगों को इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मुल्क है और इतने सारे मीडिया हैं, तो उसमें कुछ वाकयात ऐसे वैसे हो जाते हैं, उसकी वजह से बददिल नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, और बुनियादी तौर पर हमको ये भी देखना चाहिए कि कहीं कोई मीडिया वाला एक गलत तरीके से अपने आप को ऐसा बना करके ना पेश करे कि उसके ऊपर ज़्यादती हुई है, ये भी देखना चाहिए। लोकल लेवल पर इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं जहां वो मीडिया वाले का मौक़फ़ जो है हमको क्लियर नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में हमको ये नहीं कहना चाहिए कि भाई उसने कोई गलत किया हो या ना किया हो, तब भी जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक तो एस्पेक्ट यह है कि अगर मीडिया वाला गलत है तो वो हर लिहाज से गलत है, दूसरी तरफ अगर मीडिया का काम कहीं सही तरीके से कर रहा है और वो पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहा है और किसी के ज़ाती खिलाफ़ कोई काम नहीं कर रहा है,
तो ऐसी सूरत में हम लोगों को ये देखना चाहिए कि मीडिया का जो काम है उसको आज़ादी से करने देने के लिए एक मौका माहौल और साजगार माहौल जो है ना वो मिले, और मौका ऐसा मिले कि वो अपना काम आज़ादी और इख्तियार के साथ तो करे लेकिन अपना मकसद हासिल करने के लिए मीडिया का भी इस्तेमाल कोई ना कर सके। ये राजनेताओं के लिए भी लागू होता है, पॉलिटिशियंस के लिए भी, और मीडिया के लिए भी, और सोसाइटी के लिए भी। कोई भी चीज़ का एक टूल है, मीडिया क्या है, एक टूल है, औजार है। इसका सही गलत इस्तेमाल इस पर डिपेंड करेगा कि उसको हिमायत सपोर्ट मिलेगा पब्लिक का या नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद जी, बहुत फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, फाइन आर्ट डिजाइनर, चुलबुल लाइटिंग एंड फर्नीचर, एंड बाय एसआर कॉन्टिनेंटल होटल।